नया दिन को नया ब्लग में हजुरहरुलाई फेरि स्वागत जनाउँदै तपाईहरुलाई आज को नया कंटेन्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु है। विन्टर भरि हराएको मान्छेलाई फेरि भेट्नु पाउँदैछु आज। हाम्रो एकजना एउटा प्रसिद्ध युट्युबर हुनुहुन्छ है, जसलाई चाहिँ हामी ब्लगिङ हङ्क भन्छौँ। एक्चुअली हिज नेम इज राहुल। दिल्लीमा थियो, गाजियाबाद, दिल्ली, फरिदाबाद, हिमाचलहरू घुमेर भक्कु घुमेर चौकी भर्खर आइपुगेछ घर। अन्त आज चाहिँ अब राहुललाई भेट्ने, राहुलले फोन गरेको थियो र राहुललाई म पर्खिरहेको छु। र राहुल र म चाहिँ मेरो स्कुटीमा एक जग्गा जाँदैछौँ। त्यो जग्गा चाहिँ कहाँ हो के हो तपाईँहरूलाई म अगाडि नै देखाउनेवाला छु। सायद राहुलले पनि भन्छ होला तपाईँहरूलाई किन चाहिँ हामी भेटेको र हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर। र राहुल चाहिँ अब बरबटबाट आउनुपर्छ, आउँदै होला सायद। मलाई भर्खर फोन गरेको थियो राहुलले फेरि एकपल्ट, अहिले रेडी हुनुभयो दा म आउँदैछु भनेर भेटौँ। र आजको भ्लग चाहिँ अब हल्का राहुलसँगको भेटघाट है, राहुलसँगको भेटघाट दुई महिनाको अन्तरालपछि। अब तपाईँहरू त्यही सोच्नुहोस्, त्यही सम्झिनुहोस्, मान्छे दामी ब्लगिङ हङको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, उसको भिडियो क्वालिटी है एकदम मिहिनेत गरेर बनाउँछ उसले, सिक्नु छ हामीले धेरै उसकोबाट। हेर्दैछु के हुन्छ कसो हुन्छ, गाडी त आएको छ, राहुल चाहिँ आएको छैन, अब कुन चाहिँ गाडीमा आउँछ कि बाइकमा आउँछ कि केमा आउँछ हेरौँ। हेलो सबैजना, हेलो गुड मर्निङ छ, मर्निङ नै एकदम मर्निङ है। ल ओके साथी, बाई बाई, वेलकम ब्याक, वेलकम होम। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ कल्याण दा एन्ड कल्याण दाको फ्यामिलीलाई, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर ग्रेटिङ मी दा। आइपुगे मेरो भाई, अब एक महिने बाद आ रहा हूँ मैं, हिमाचल गया था ट्रिप के लिए। सो जब आप ये व्लॉग देख लोगे तो व्लॉगिंग चैनल पे आना, क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो आने वाली हिमाचल की सीरीज, काफी अच्छी अच्छी वादियों के नजारे आपको देखने को मिलेंगे उसमें। मैं अघि नै भने है ब्लगिङ हङको च्यानल कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर है, प्लिज है ब्लगिङ हङलाई फलो गर्नुहोस्। बजारको एक दुईवटा कामहरू सकेर चाहिँ यहाँ आयौँ। राहुलको अब यहाँ वर्कसपबाट निकाल्ने हो बाइक है, कम्प्लिट भएछ। राहुल खुसी भइरहेछ, बिचरा यसको बाइक अस्ति केमा ठोकेर गाडी केले हिकाएर चाहिँ एक्सिडेन्ट पारिदिएको थियो नि त। ठिकै एक्सिडेन्ट भयो, घुम्नु पनि गयो है, घुम्नु गएर आयो र आज चाहिँ अब बाइक पनि निकाल्दैछ। बाइक साइक निकालेर अब श्री गणेश गर्ने हो, लड्डु खाने हो। लड्डु चाहिँ भोलि नै खुवाउँछ, आज पूजाहरू गर्दैन, भोलि पूजा गरेर खुवाउँछु भन्दैछ। हेरौँ अब भाइको के होस् हो, राम्रै बनिएको छ। हामी यहाँ चिया पर्खिरहेको छौँ र मेन कुरा जान्नु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि, राहुलको बाइक एक्सिडेन्ट भएको मैले राहुलको एउटा भ्लगमा दिएको थिएँ है। र बाइक चाहिँ कहाँ राख्दा कसरी एक्सिडेन्ट भएको छ, एक्सिडेन्ट भएर सोधौँ है। बाइक ऐसा हुआ था कि मेन रोड में लास्ट मंथ मेरा स्टैंड पे रखा हुआ था मेन रोड पे, और एक गाड़ी आई जिनका ड्राइवर डिसबैलेंस हो गया गाड़ी से उनका, और उन्होंने पूरा बाइक पे डाल दिया था, देख सकते हो पूरा ये मतलब टूट गया था, ये मीटर हो गया, हैंडल मुड़ गया था, डिस्प्ले चला गया था, शोकर चला गया था, पीछे हैंडल कार, ये पीछे का लाइट्स वगैरह, और ये इंडिकेटर पीछे का, आगे फ्रंट का, ये आपका लुकिंग ग्लास सब चला गया। तो होपफुली अब बाइक बन चुकी है, बस अब जाके लेना ये। बाकी मैंने बाइक को काफ़ी मिस किया है क्योंकि जाने मेरी ठीक है, तो मालूम है क्योंकि ये पैंथर नाम रखा है। बस ये कि चला है, नुकसान नहीं हुआ पर, लेकिन हाँ जितना भी हुआ तगड़ा हुआ नुकसान हुआ है, अच्छे खासे पैसे चले गए। पर कोई नहीं, आदमी सही होना चाहिए, आदमी सही है, बाइक भी ठीक हो गई है। अब जिस गाड़ी से आपको बाइक को लगा ना, उन लोगों ने कुछ पेमेंट वगैरह नहीं किया? हाँ उन्होंने पेमेंट किया, उन्होंने पेमेंट किया क्योंकि मेरा पार्किंग में था ना, तो उन्होंने बोला कि जो भी एक्सपेंस लगेगा बाइक का वो ड्राइवर पे करेगा। तो ड्राइवर को भी थैंक यू, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ, और जितना भी खर्चा बाइक का आया वो उन्होंने पे किया मेरे को। ओके र अलिक टाइम लाग्ने रहेछ है हाम्रो वर्कसपमा काम, अब स्टिकरहरू लगाउनु के रहेछ। र भाइले चाहिँ चिया खानु जाउँ दा भनेर चाहिँ हामी चाहिँ ब्ल्याक टीमा मजाले आनन्द लिँदैछौँ है। ब्ल्याक टीमा त अहिले ट्रिपल एक्स हाले ब्ल्याक टीमा चाहिँ मैले ट्रिपल एक्स हालेँ भनेर चाहिँ, यो चाहिँ अब माथिबाट शिवजीले पनि पत्याउँदैन यो कुरा चाहिँ हो, ठिकै छ केही छैन। र मजाको जग्गा रहेछ क्यान्टिन, क्या सानो फुलहरू राखेको डेकोरेटिभ क्या अब है, मजाले क्या अब चुलाहरू, मलाई चाहिँ मजाको लाग्यो, प्लान्टहरू मजाको सजाएर राखेको छ कि यहाँ।
मनी प्लांट क्या मजा रहा है सोचा था। सो चाय का चुस्का लेते लेते थोड़ा बातचीत भी कर ले। तो राहुल भाई जी जी, तो इतना टूर हुआ, अच्छा ही हुआ, एक महीना का टूर था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बता दो ना। एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट टाइम मैंने कभी स्नोफॉल जो है एक्सपीरियंस नहीं किया था। दार्जिलिंग यहाँ रहते हुए यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था 21 पे, सिर्फ स्नो देखा था, फॉल कभी देखा नहीं था। स्नोफॉल देखा गया मैंने वहाँ पे, बहुत सारी जगह घूमा। वहाँ पे टॉय ट्रेन थी, जैसे दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती है, वहाँ पे कांगड़ा वैली वैली चलती है टॉय ट्रेन, वहाँ पे घूमे। स्नोफॉल देखा, टूलिप गार्डन देखा और धूलाधार के माउंटेन रेंज देखा। वैसे तो स्टोरी बहुत लंबी है, पर बाकी यहाँ अगर आपको देखना है व्यूज वगैरह, तो बहुत जल्द मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग हंग पर ये वीडियोस आई हिमाचल की सीरीज आएगी। तो कल्याण दा के थ्रू मुझे मौका मिला अपना वर्ड रखने के लिए। थैंक यू कल्याण दा आपके चैनल पे मुझे प्रेजेंट करने के लिए। और आई होप आप लोग दा के चैनल के बाद मेरे चैनल को विजिट करना ब्लॉगिंग हंग। वहाँ पे ऑलरेडी कैलिपुंग की वीडियोज़ है, नेपाल की है, गैंगटॉक सिक्किम दिल्ली की वीडियोज़ है। तो अब हिमाचल का सीरीज आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा भी होता रहेगा वो आपको अपडेट पता लग जाएगा। और बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम नाम है ब्लॉगिंग हंग इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, जहाँ पे आप मेरी सारी ट्रैवल अपडेट देख सकते हो। बाकी थैंक यू और कल्याण दा को भी सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि कल्याण दा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने गांव को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग लोकल है, हम भी लोकल है, लोकल लोकल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा लोकल चीज आगे बढ़ेगी। तो दूसरी क्या ना राहुल भाई जी, कैलिंगपुंग को कितना मिस किया, कैलिंगपुंग का यूट्यूबर्स को कितना मिस किया वहाँ पे? यूट्यूबर मिस हो गया, मिस तो बहुत किया, क्योंकि एक तो यहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी, कैलिंगपुंग यूट्यूब मीटअप हुआ, आप लोग सिलीगुड़ी भी गए थे, यहाँ भी मीटअप वगैरह हुए थे, और यहाँ पे वो सबिन राय आए थे आईपी में, मेरे को भी इन्विटेशन आया था। फिर ये मिस कैलिंगपुंग का आया था, मेरे को इन्विटेशन आया, लेकिन मैं यहाँ पे था नहीं तो मैं इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, कहते हैं कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, अगर मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ मिस हो जाएगा, यहाँ मिस करूंगा तो वहाँ मिस हो जाएगा, ऐसे करके। पर लेकिन मिस मैंने काफी किया, अब कैलिंगपुंग आ चुके तब कैलिंगपुंग की वीडियोस आएगी धमाकेदार। सो कल्याण दा थैंक यू सो मच आने के लिए। तो मेरे को अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में, क्योंकि थोड़े बहुत पार्ट्स है उसमें अभी लगना बाकी है। बाकी कल्याण दा आ गया, एक फोन मारा कल्याण दा मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो, और कल्याण दा हनुमान जी की तरह आ गए मुझे लेने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं तो जाऊंगा डायरेक्ट घर, ठीक है, खाना खाना है, मैं बाइक लेके सर अभी जाना है, फ्यूलिंग करानी बाइक का, फिर वॉशिंग कराना है, टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, तो ठीक है, टाइम मिलेगा तो कल मिलेंगे। आज इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रैवल करके आया, दो दिन का ट्रैवल करके आया, अभी इसको सोना है, अगर बाहर दिखा ना रात को शाम को तो टॉक्सिन रहेगा, तो टॉक्सिन रहेगा। एनीवे नाइस मीटिंग, सेम ब्लॉगिंग हंग, सो विल मीट सून, श्योर, सो आई एम एंडिंग माय ब्लॉग हियर, एंड डू गाइस डू सब्सक्राइब एंड लाइक द पेज।